भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी और मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे किसी अनजान व्यक्ति ने कराची में जहर दिया है। हालांकि इस खबर को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान में दाऊद को जहर देने की खबर के बाद से देश में हलचल तेज हो गई है, तो वही पाकिस्तान में भी इंटरनेट सर्वर डाउन होने की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्पिटल के जिस फ्लोर पर दाऊद को भर्ती कराया गया है वहां कोई दूसरा पेशेंट नहीं है, उस फ्लोर पर सिर्फ दाऊद और उसके परिवार वाले ही मौजूद है। तो वही पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमिका का कहना है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है, उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जिसकी वजह से उसे कराची के किसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि ये खबर कितनी सच्ची है और कितनी झूठ, इसको लेकर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन दाऊद इब्राहिम की जहर की खबर इशारा कर रही है कि दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है। तो वही एनआईए की रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद की गैंग के लोग पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है उन्हें फंड पहुंचाने का काम करते हैं। इस वजह से मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में फिरौती, सट्टेबाजी और ड्रग्स का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी उसके दाऊद के भाई अनीस के पास है। बता दें, दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक है। सन 1955 में 27 सितंबर को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दाऊद का जन्म हुआ। दाऊद इब्राहिम की पत्नी जुबिना जरीन को मेहरजबी शेख के नाम से जाना जाता है। उसके तीन बच्चे हैं, जिसमें दो लड़कियां और एक लड़का है। बता दें, एनआईए की ओर से पिछले साल दाऊद पर 25 लाख का इनाम रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस भी दाऊद को ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर चुका है। 2003 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने दाऊद इब्राहिम पर $25 मिलियन का इनाम रखा था। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर में जो भी अगला अपडेट आता है उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी नगरी न्यूज। शुक्रिया।